ये देखो भाई, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री आ चुका है गोकुलधाम सोसाइटी में। ओ माय गॉड। तो गाइस ये देख सकते हो, पूरी खतरनाक बर्फबारी के बीच में से हम कैंपर को चीरते हुए लेके जा रहे हैं। पूरे लोड कर दिए क्रिसमस ट्रीज भाई, लाइटें जल रही है, क्या लग रही है अपनी कैंपर। ओम फो भाई, सब अंदर घुसले बाहर भाई, बर्फबारी हो रही है बहुत ही भयंकर। भाग जा घर में, भाग जा अपने। बर्फबारी के बीच में से आते हुए हमारी क्रिसमस कैंपर देख सकते हो भाई। ये देखो भाई, रेंज रोवर डीजे तो कत ही भाई, ओम फो कर रहा। फॉर्च्यूनर डीजे तो क्या लग रहा भाई, अलग ही एक नंबर। सो यो व्हाट इज अप गाइस, कैसे आप लोग, होप करता हूं सब मजे में होंगे। एक और जीडीवाई की ब्रांड वीडियो में तो देख सकते हो गाइस, बिल्कुल राजा जी बन के सो रहा हूं। और गाइस आज पता नहीं ठंड सी बहुत लग रही है यार, भैंस की टैट ठंड बहुत लग रही है। थोड़ी सोने होने की मतलब की इच्छा सी हो रही थी, तो भाई मैं आके सो गया हूँ अभी भाई। सुबह हो चुकी होगी, बाहर जाके देखेंगे क्या सीन हो रखा है। तो गाइस आज का सीन तो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। अभी अभी फोन आया जेठालाल अंकल का। जेठालाल अंकल कहते हैं भाई फटाफट ना गोकुलधाम में क्रिसमस ट्रीज वगैरह लेके आ जा। तो भाई साहब उनको भी फोन करेंगे एंड पूछते हैं क्या चीजें हो गई यार। थोड़ी सी नींद की झपकी ले लेता हूँ। जितने मैं झपकी ले रहा हूँ, जितने कपड़े वपड़े पहनता हूँ, उतने आपको करना है क्या। फिर दो काम कर दो, चलो एक तो पहला कर दो चैनल को सब्सक्राइब, एंड दूसरा कर दो आप वीडियो को लाइक फटाफट। ये दो काम करो जितने मैं सो के उठता हूँ यार। थोड़ी एक झपकी मारता हूँ, फिर मिलते हैं आप सब लोगों से। गाइस अभी अभी जेठालाल अंकल से तो पूरी बातचीत कर ली है मैंने। कह रहे हैं कि भाई क्रिसमस की सेलिब्रेशन वगैरह करनी है तो फटाफट आ जा। मैंने कहा भाई क्रिसमस भी आ गया क्या यार इतनी जल्दी, भैंस की टेंट बड़े जल्दी जल्दी यार फेस्टिवल वगैरह आए जा रहे हैं। तो गाइस बाहर चल के देखते हैं यार क्या सीन चल रहा है, कैसी है हमारी सिटी वगैरह। ओहो बिल्कुल, अरे ओ भैंस की आंख क्या 5 बज रहे हैं क्या अभी। हेलो हेलो, ओ भाई साहब बाहर की साइड देख सकते हो गाइस, स्नो आ चुकी है। ओ माय गॉड गाइस, जिस चीज का, अरे भैंस की आंख ठंडे लग गई रे। भिड़ू अंदर, भागो अंदर, भागो भाई 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 भाई, चोप कहां है चोपड़ी। ओए चोपड़ी तू अंदर, अरे बाहर बैठा है अंदर, भैंस की टेट अंदर घुसले। चोप भाई साहब अंदर घुसले, बाहर भाई बर्फबारी हो रही है बहुत ही भयंकर। भाग जा घर में, भाग जा अपने। अरे भाग अंदर, भैंस की टेंट तेरी भाई, इसको अंदर डालते हैं। और भाई ये देख सकते हो भाई, लॉस सैंटोस में भाई पूरी बर्फबारी स्टार्टिंग हो चुकी है भाई, पूरी खतरनाक बर्फबारी हो रही है। मेरी तो भाई बॉडी कपकपा रही है, पर मैं आप सब लोगों को दिखाने के लिए ये चीज़ कर रहा हूँ। ओ माय गॉड भाई भाई भाई, भागो 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 फटाफट अंदर भागो गाइस, क्योंकि अंदर तो हीटर चल रहा है भाई 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 भाई। ये तो बहुत ही कॉमेडी सीन हो गया। अरे इधर वाले बाथरूम में चलते हैं आज तो भाई साहब, उधर बाहर के वाले में तो ठंड लगेगी। अब ये देखो ये वाले बाथरूम में आराम से यूज़ करा करेंगे भाई। फटाफट अपनी ब्रश वगैरह करते हैं एंड फिर निकलना भी है भाई गोकुलधाम के लिए। क्रिसमस ट्रीज वगैरह लेने, काफ़ी कुछ चीज़ें लेनी है, तो बस अभी थोड़ी देर में निकलते हैं, फिर मिलते हैं आप सब लोगों से। कपड़ा वपड़ा पहनना पड़ेगा रे मोटा, लेट्स गो। तो गाइस ये देख सकते हो भाई, बर्फबारी तो पूरी खतरनाक वाली पड़ रही है लॉस सैंटोस में। देख सकते हो भाई, पूरा देख सकते हो अंधेरा सा हो रखा है, पर बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हमने ग्लव्स तक पहन लिया आज, देख सकते हो भाई ग्लव्स एंड मोटी जैकेट, नीचे इनर वगैरह सब कुछ डाल लिया, नीचे जींस डाल लिया, जींस के नीचे पजामे डाल लिया। तो बिल्कुल सारी कॉमेडी चीजें तो हमने डाल ली है, बाकी अब आराम आराम से भाई ध्यान रखना पड़ेगा। चोप को भी अंदर डाल दिया, अब हम निकलेंगे अपनी कैंपर लेके, क्योंकि कैंपर में क्यों निकलेंगे, 2022 वाली बोलेरो कैंपर है जो हमारी यहाँ पे खड़ी है इस टाइम पे, तो यही है। एंड इसमें एक चीज ये बढ़िया कि ये पीछे है ना, ये स्पेस हमारा काम आएगा। आज देखो पहले ही दिन जैसे कि काम पड़ गया हमें, जो प्रिपरेशन करनी है भाई, क्रिसमस आ रहा है बहुत ही मतलब कि करीब है, तो हमें भाई घर पे भी पार्टी अरेंज करनी है एंड अपनी गोकुलधाम वासियों की भी पार्टी अरेंज करनी है, तो काफ़ी ज़्यादा काम है। बाकी ये देख सकते हो भाई 2022 वाली कैंपर। अरे 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 भैंस की टट, बाहर पीछे वाला गेट कैसे खुला ये। अरे नहीं 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 नहीं, पीछे वाला गेट बंद करो। हाँ तो गेट बंद कर दिया गाइज, यहाँ से आराम आराम से निकल रहे हैं। सिटी की साइड से निकलना जहाँ पे मेला वगैरह नहीं लगता, तो गाइज वहाँ पे क्रिसमस ट्री वगैरह मिलते रहते, तो उधर की साइड ही हमें चलना पड़ेगा। बाकी ये देख सकते हो भाई 2022 वाली कैंपर, वो ये भाई 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 आराम से चलानी पड़ेगी। बाकी कैंपर पे भी देख सकते हो थोड़ी सी बर्फ तो जम ही रही है जैसे चल रहे हैं भाई। देख लो सिटी में कितना ट्रैफिक कम हो चुका है, कम क्यों हुआ अब ये भी तो देखो, क्योंकि बर्फबारी जैसे अभी देखना थोड़े दिन में तो भैंस की आंखें हो जाएगी। बाकी तो भाई इंडिकेटर वगैरह जला लेता हूँ, एक साइड के जल रहे हैं, एक साइड के और जला देते हैं भाई पूरे। ये लो चारों जल गए अब तो भैंस की टेंट। बाकी भाई मज़ा तो आ रहा है पूरा भाई, बर्फबारी में एक चीज़ से तो राहत मिली है कि एक तो भाई ये गर्मी सी पड़ रही थी कुछ दिनों से, तो वो चीज़ भी एंड अब बिल्कुल मतलब कि पूरा पैक हो जाएगा। मेरे को तो लग रहा है लॉस सैंटोस क्रिसमस के टाइम पर पूरा मतलब बर्फबारी हो जाएगी खतरनाक वाली। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से हम तो इधर की साइड से। अरे भाई बर्फ में देख लो गाड़ियाँ फिसल रही है, भैंस की टेंट कहाँ की दी इसकी, वो वाली लाइन से कहाँ पे आ गया। बाकी थोड़ी गलती तो हमारी भी थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से चलते गाइस अब मेले वाली जगह एंड सीधा वहीं पे दिखाते आपको अपने क्रिसमस ट्री जो जो हमें देने हैं। तो लेट्स गो।
तो गाइस ये देख सकते हो पूरी खतरनाक बर्फबारी के बीच में से हम कैंपर को चीरते हुए लेके जा रहे हैं। तो भाई आराम आराम से चलना पड़ेगा क्योंकि भाई क्रिसमस ट्रीज हमें इधर की साइड से लेने हैं। तो सामने आपको क्रिसमस ट्रीज वगैरह भी दिख गए होंगे गाइस। तो ये देखो भाई 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 वो भैंस की टंटी से बाहर तो स्टोक तो तगड़ा आ रखा है। बाकी कोई अंकल अच्छा ये वाले अंकल भेज रहे, चलो इधर की साइड खड़ी कर देते हैं आराम से अपनी कैंपर। तो बिल्कुल एंड आपको पहले क्रिसमस ट्रीज दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ से लोड करके लेके चलेंगे जैसा कि जेठालाल अंकल बोल रहे थे, सही बताया उन्होंने। बाकी ये देख रहे हो आंटी वगैरह भी देख रही है क्रिसमस ट्री वगैरह। बाकी ये देखो भाई फोन से आपको जूम करके दिखाता हूँ भाई। ओहो कितनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई रही बिडू। तो गाइस ये देख सकते हो क्रिसमस ट्रीज वगैरह इधर की साइड मतलब रखे हुए हैं। तो ये वाले जो सारे क्रिसमस ट्रीज है ये गोकुल धाम में जाने वाले हैं सजावट के लिए। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला गाइस क्योंकि ये वाले जब ट्रीज वहाँ पे लगेंगे लाइटें वगैरह भी, और भैंस की टंटी में तो लाइट रूटी भी है पहले से ही। ओ ओ ओ, ओ बेटे मूछ कर दी भाई। ये देख सकते हो इसके अंदर लाइट वगैरह भी लगी हुई है, एक नंबर लग रहा है क्रिसमस ट्री तो। वाह 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 बेटे। तो फटाफट अंकल से डील करते हैं। काया अंकल जी, अंकल जी फटाफट ना इसको लोड कर दो, इसमें कितनी आ सकती है? 1, 2, 3, 4, 5 तो आ ही जाएगी। चलो देखते हैं गाइस कितनी लोड होती है। तो अंकल जी 5 लोड करा दो, जो जेठालाल अंकल ने आपको बोला था ना वो वाली लोड करा दो फटाफट, और फिर निकलते गाइस। तो लोड कराते हैं फिर दिखाते हैं आपको हमारी कैंपर में लोड होते हुए। तो लेट्स गो। हर कैंपर के ऊपर पूरे लोड कर दिए क्रिसमस ट्रीज भाई, लाइटें जल रही है, क्या लग रही है अपनी कैंपर। ओम फो भाई एक नंबर। तो गाइस ज्यादा ट्रीज तो आ नहीं सके, हमें एक और गाड़ी मंगानी पड़ी, उसमें 3 पेड़ भेजे हैं एंड बाकी हम इधर ये वाले लेके जा रहे हैं। जेठालाल अंकल बता रहे कि कुछ पेड़ वो भी ले जा चुके हैं। तो अभी गाइज हमें ये लेके निकलनी पड़ेगी भाई भाई भाई, काफ़ी ठंड हो रखी है भैंस की टेंट भाई साहब। ये देखो थार कैंपर को तो भाई पूरा लोड कर दिया क्रिसमस ट्री वगैरह से भाई भाई, एक नंबर लग रहा है क्रिसमस ट्रीज वगैरह भी। ओम हो बेटे क्रिसमस आ रहा। तो बेटे मतलब ये वाली जो वो भी आ गई ना गाइज एकदम से, मतलब कि मज़ा ही आ गया भाई। बर्फबारी और भाई एकदम से आई है बर्फबारी, मतलब कल तक तो कोई आसार भी नहीं थे एकदम से भाई। ये देखो भाई अपनी क्रिसमस वाली गाड़ी कैंपर बना दी भाई, क्रिसमस कैंपर बना दी अब तो हमने। ये देख सकते हो भाई क्रिसमस कैंपर हमारी इधर से निकलती हुई आराम आराम से भाई, दिख भी नहीं रहा कुछ। अरे भैंस की टेंट भाई इतना लोड सा हो गया ना। बाकी देखो कितनी प्यारी लग रही है। ओह एक नंबर भाई साहब, मज़ा आ गया चला के। तो बाकी ये देख सकते हो भाई एक नंबर मज़ा आ रहा, आराम आराम से चलना पड़ेगा भाई आज की साइड। तो गाइज हम इधर हाईवे से ही चलेंगे क्योंकि भैंस की टेंट इधर अंदर सिटी से नहीं जा रही क्योंकि हमारे यहाँ पे चलान वगैरह भी कट सकता है। तो भाई साहब ये देखो ओहो बर्फबारी के बीच में से आते हुए हमारी क्रिसमस कैंपर देख सकते हो भाई, पूरे क्रिसमस ट्रीज लोडेड ऊपर, एक नंबर लग रही भाई। अरे आंटी भी पिचका दी, चलो कोई दिक्कत नहीं अब तो आराम आराम से निकलना पड़ेगा। अरे बिडू ओहो ले बेटा ओम फो भाई 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 आराम आराम से भाई, जो बर्फबारी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कुछ दिख भी नहीं रहा। देखो ये नैनो वाला भी कहाँ पे आ रहा है जबकि मैंने कितनी दूर से ही रोक दी थी, पर कोई दिक्कत नहीं है हमारी कैंपर तो लेके निकल चुके क्रिसमस ट्री गोकुल धाम के लिए भाई 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 भाई, एक नंबर मज़ा आएगा अब तो बिडू। बिल्कुल भाई गोकुल धाम में जा रहे हैं ये वाले क्रिसमस ट्री भाई, मज़ा तो पूरा आने वाला है बिडू। क्रिसमस की अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई, अभी सेलिब्रेशन हुआ जब तो अलग ही मज़ा होगा भाई। एंड जेठालाल अंकल कह रहे कि तू जब फ्रैंकलिन यहाँ पे पहुँचेगा तो तुझे एक सरप्राइज़ भी मिलेगा। तो मैं बोला यार ऐसा कौन सा सरप्राइज़ देने वाले, जेठालाल अंकल मेरी टूई तो नहीं तोड़ने वाले कि मैं लेट हो गया हूँ इसलिए। चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो देख लेंगे यार, जेठालाल अंकल को तो बना ही लेंगे। बाकी चंपक चाचा हुए तो मेरे लठ पड़ जाएंगे बहुत ही ज़्यादा वाले, वो भी लठ लठ मारते भाई। चंपक चाचा जो मिले भाई तो फिर तो लठ पड़ेंगे क्योंकि वो तो भाई बहुत ही स्ट्रिक्ट है जैसा कि आपको बताइए। बाकी भिंडे मास्टर को भी हम मना ही लेंगे। यार गाइस कुछ कह देते पोपटलाल की शादी फिक्स विक्स होगी तो मैंने तो ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं। बापू वो भैंस की आँख, इधर भी पुलिस खड़ी है। अरे अरे भाई भाई अरे पीछे तो नहीं आ रही वो, बच गए भाई साहब, मुझे लगा हमारे पीछे आ रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं अभी तो बच गए गाइस। ये देखो भाई थार कैंपर जा रही है अपनी गोकुल धाम में, तो लेट्स गो अब सीधा वहीं पर चल के दिखाते हैं। तो गाइस देख सकते हो हम पहुंच चुके हैं अपनी गोकुल धाम सोसाइटी के अंदर, बिल्कुल मतलब क्रिसमस ट्रीज वगैरह सब कुछ लेके क्रिसमस ट्रीज अपने पहुंच रहे इधर की साइड। और भैंस की टेंट ऊपर से तो लगेगी तो नहीं, थोड़े थोड़े लग रहे हैं ट्रीज में पर लीव्स पे लगने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ओहो आराम आराम से घूमते हैं, बस 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 भाई कितने पेड़ लगा रखे गोकुल धाम वालों ने भी यहाँ से आराम आराम से। तो ये देख सकते हो गाइस गोकुल धाम में आते हुए सारे पेड़। अरे भैंस की टेंट ये क्या है, हेलो ओ भाई इतना बड़ा क्रिसमस ट्री, ओ माय गॉड गाइस। अरे भैंस की इधर क्या खड़ा है, अरे 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 भाई आराम आराम से चलना पड़ेगा। अरे बिडू भाई ये देखो गाइस कितना बड़ा क्रिसमस ट्री लगा हुआ है गोकुल धाम में भाई 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 भाई, आराम से देखना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे उतरते हैं पहले, क्या सिस्टम है सब कुछ देखते हैं भाई 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 भाई, ये खड़ी करते हैं अपने कैंपर यहीं। एंड ये देखो भाई साहब ओ माय गॉड, अपनी ये वाले ट्रीज भी उधर ही लगाते हैं। रुको रुको गाइस इसकी फोटो खींचूंगा भी बढ़िया सी भाई, इंस्टाग्राम पे डालूंगा गाइस। इंस्टाग्राम पे अगर आपने अपने भाई को फॉलो नहीं करेगा तो फटाफट फॉलो कर लो जाके। ये यहाँ पे मत से लगाते हैं। अरे इधर की साइड क्या है, अबे भाई कुछ दिख तो रानी भैंस की आँख लगी। चलो चलो बस बस यहाँ लगा देते आराम से, बस बस
ये बस बस बस। तो गाइस ये हमने यहाँ पे खड़ी कर दी है, बस अब दिखाता हूँ आपको इधर से भाई कितना बड़ा, ओ माय गॉड भाई इतना बड़ा क्रिसमस ट्री तो मैंने आज तक नहीं देखा भाई। ये देखो तो गाइस ये देख सकते हो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्रिसमस ट्री इन गोकुल धाम। भाई 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 ये देखो भाई क्रिसमस ट्री हमारे वाले भी लेके आ चुके हैं। बाकी ये देखो भाई दुनिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री आ चुका है गोकुल धाम सोसाइटी में। ओ माय गॉड भाई इतना बड़ा ट्री तो मैंने कभी नहीं देखा। ये लेके कैसे आए गोकुल धाम वाले, क्या हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर से लैंडिंग करवाई है क्या भाई? लाइटें वाइटें सब लगवा दी इसमें तो इन्होंने। भाई 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 काफ़ी लंबा पेड़ है। बाकी अपने डीजे वगैरह गाइस जैसा कि आपको पता ही है ये डीजे तो जब से हमारी मतलब कि शादी में गए थे, शादी के बाद इधर ही खड़ा रहता है जो यहाँ से निकली थी ड्राइवर की बारात। बाकी गब्बर डीजे आ रखा है इधर, क्या बात। और अपना एक और डीजे भी है, ये देखो भाई फॉर्चुनर डीजे वगैरह भी आ रखे हैं। ये देखो भाई अपने तीन डीजे तो यहीं पर खड़े हैं, फॉर्चुनर डीजे तो क्या लग रहा भाई, अलग ही एक नंबर भाई साहब। बाकी क्रिसमस ट्रीज वगैरह भी इधर आ गए। तो गाइज ये दो ट्री और आ चुके इधर की साइड। तो गाइज अब जो और ट्रीज आ रहे हैं मेरी वाली गाड़ी में तो दो ट्रीज आए हैं, बाकी जो अब ट्री लगाने वाले हैं वो हम इधर की साइड लगवाएंगे। गाइज यहाँ पे जो एंट्री होगी ना, यहाँ से भाई क्रिसमस की जो सेंटा की एंट्री होगी यहाँ पे लगवा देंगे दो क्रिसमस ट्री। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला आप सब लोगों को। अभी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है, अभी पार्टी अभी मेरी बाकी है दोस्तों। तो गाइज इधर की साइड भी एंड यहाँ बाहर का खाना वाने का रख लेंगे, बिल्कुल सिस्टम ही बिल्कुल एक नंबर। बाकी भाई सर्दी इतनी हो रही है कि सब अंदर घुसे हुए हैं भाई। ये देखो भाई गोकुल धाम सोसाइटी क्या लग रही है भाई 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 एक नंबर भाई, पूरा मज़ा आ गया देख के। यहाँ से दिखाता हूँ गाइज, तो ये देखो भाई। तो गाइज अपने डीजे वगैरह भी इधर की साइड खड़े हैं, ये देख सकते हो भाई अपना गब्बर डीजे, अपना रेंज रोवर डीजे अपने क्रिसमस ट्री के पास ही खड़ा हो। बाकी ये देखो भाई कितना बड़ा ट्री है भैंस की, और अपने छोटे छोटे कैंप जो कैंपर पे लेके आए हैं वो भी आ चुके हैं। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है गाइज गोकुल धाम में क्रिसमस की, तो बिल्कुल एक नंबर तो मज़ा आएगा ही। बाकी अपना रेंज रोवर डीजे चला के दिखाऊं आपको, यार काफ़ी दिन हो गए इसको चलाए हुए, थोड़ा कोल्ड स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा चला भी लेते हैं, इतने दिन से तो खड़ा ही होगा, मेरे को नहीं लगता कोई किसी ने चलाया होगा यहाँ पे। तो ये देखो भाई 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 भाई, तो ये भाई अपना रेंज रोवर डीजे, तो रेंज रोवर है जी कतई भाई भाई भाई। ये देखो भाई रेंज रोवर डीजे, ओ ये ले बेटे मौज कर दी। ये देखो भाई रेंज रोवर डीजे तो कतई भाई ओम ओ कर रहा भाई, ओ ये भाई एक नंबर है। सस्पेंशन वगैरह तो अरे बिल्कुल बिल्कुल, तो भाई यहाँ पे खड़ा कर देते हैं आराम से, कोई दिक्कत तो होनी नीचे आराम आराम से। इधर से अपना क्रिसमस ट्री भी आ चुका है, भीड़े अंकल को अभी बता देता हूँ कि ये वाले अपने ट्रीज वगैरह भी उतरवा देंगे, बिल्कुल एक नंबर। सोदा पानी तो एक नंबर कर दिया गोकुल धाम में इतना बड़ा क्रिसमस ट्री ला के, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है गाइस फिर आज की वीडियो इतने रखते हैं, होप करते हैं आपको मजा आया। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना हमें गोकुल धाम में और कौन से ट्रीज लानी चाहिए, एंड क्रिसमस का और भी प्लान्स आप बता सकते हो। जब तक के लिए चंगा फिर अगले।